इधर कैबिनेट के शपथ ग्रहण के पहले ही प्रदेश सरकार में तबादलों और फेरबदल पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने इन तबादलों और फेरबदल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वन मैन आर्मी वाला फैसला बताया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता के इस बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पलटवार किया है। देखिए, जिस तरीके से रातों रात एक प्रशासनिक सर्जरी होती है, लगभग 40 से 50 आईएएस का तबादला होता है, आईपीएस का तबादला होता है, आईएफएस का तबादला होता है, और लगभग 24 घंटे के बाद मंत्रिमंडल का गठन होना है, मंत्री उसमें शपथ लेंगे। मुझे लगता है कि हर विभाग का एक मंत्री होता है, और ये बेहतर होता कि कहीं ना कहीं मंत्री जी से बातचीत करके उन विभागों के अधिकारियों को वहाँ पर स्थानांतरित करते, तो निश्चित रूप से मंत्री जी लोगों को उसमें काम करने में सरलता होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कांग्रेस की हमेशा से चरित्र रहा है, कांग्रेस की तासीर रही है कि जो वन मैन शो एक व्यक्ति का वहाँ पर चलता है, और वही परंपरा कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस छत्तीसगढ़ की सरकार में दिखाई देने लगा है। एक तरफा हर निर्णय भूपेश बघेल जी ले रहे हैं। मुझे लगता है कि एक वन मैन शो जो कांग्रेस की एक पद्धति है, वन मैन शो एक आर्मी की रूपरेखा भूपेश बघेल यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में जबरदस्त हार हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को रिजेक्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, संतुलन खो बैठे हैं, बौखला गए हैं, और इसलिए निरर्थक, अनर्गल, आधारहीन, असंतुलित बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।